अगर मैं अपनी बात ले लूँ तो मतलब कि अगर पुलिस में कंप्लेंट करो जब तक पैसे नहीं देते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं है। तो आप भी जानते हैं कि परंपरा को सबसे ज़्यादा मानते हैं, तो इन परंपरा को मानते हुए ये सबसे ज़्यादा ना पैसा डोरी सिस्टम बहुत बड़ा कलंक है। ये भी हो सकता है कि मानसिकता का भी इफेक्ट होता है, वो कुछ ऐसा भी होता है, कुछ मतलब दोनों पक्षों से होता है। इसमें जाकर कई बार ऐसा होता है कि पुरुष को ही इसमें मतलब ज़्यादा लिम दिया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे और मैं हूं आपके साथ मुस्कान पांडे। आज हम नोएडा के सेक्टर 63 में आए हैं जहां हम जानेंगे महिलाओं के साथ उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराध जो हो रहा है, खासकर लॉकडाउन के बाद जो अपराध दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो रेप का हो, जबरन शादी का हो या लड़कियों को घर से उठा ले जाने का अपराध। आज हम बात करेंगे सेक्टर 63 की कुछ महिलाओं से और कुछ पुरुषों से जो बताएंगे क्या है इसके कारण, क्या वो चाहते हैं। मेरा आपसे सवाल है कि जो दिन पे दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं खासकर महिलाओं के प्रति, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस हो गया और दहेज के लड़के को मारना, छोटे छोटे बच्चों का रेप करना, इसके आप क्या कहना चाहेंगे? इसको देखें तो सबसे पहले तो जो हमारा गवर्नमेंट है राइट, उसको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आज भी लड़कियाँ कुछ शहरों में ऐसी हैं कि लड़की अपने आप को सेफ फील नहीं करती राइट, तो सबसे पहले हमारी जो गवर्नमेंट है उसको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि लड़की ज़्यादा सेफ फील करें। ऐसा ना हो कि लड़के लड़के सेफ फील करें, लड़कियाँ सेफ फील नहीं कर पाते। ये कहना सक्सेना जी, मेरा आपसे सवाल है कि डोमेस्टिक वायलेंस बहुत हो रहे हैं इंडिया में खासकर, इसके ऊपर क्या कहना है? लड़कियों को जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका रेप हो जाता है और औरतों के साथ इतना अपराध हो रहा है, उसके आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें ना गवर्नमेंट पर ना हमारे लिए कुछ रूल्स निकालने चाहिए, मतलब पॉलिसीज निकालनी चाहिए कि मतलब फीमेल जो है वो सेफ रहे हमेशा ना, और उनके लिए ना मतलब कुछ अच्छी चीज़ें भी करनी चाहिए, लाइक मतलब उनके लिए उनके हित में हमेशा बात करनी चाहिए, अगेंस्ट में रहना चाहिए। निशा जी, मेरा आपसे सवाल है कि आप खुद ही लड़की हैं, आप समझ सकती होंगी कि लड़कियों के साथ आजकल खासकर दहेज को लेकर होता है कि दहेज नहीं जा सकती मायके से, इसके आपका लड़की दहेज प्रथा ही बंद होनी चाहिए या इसके खिलाफ कुछ एक्शन वगैरह लेना चाहिए सरकार को? डोरी सिस्टम तो ये बंद ही होना चाहिए, क्योंकि अगर ये बंद नहीं हुआ तो इससे क्या है कि फीमेल्स को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती भी है एक्चुअली, और एक्चुअली इसके रिगार्डिंग हमें न्यू न्यू पॉलिसीज एक्ट वगैरह लॉन्च भी करनी चाहिए जिससे कि इससे ना आप बहुत कम कर सकते हैं। और इंडिया में आजकल आप भी जानते हैं सिर्फ परंपरा को सबसे ज़्यादा माना जाता है, तो इन परंपरा को मानते हुए ये सबसे ज़्यादा ना फैल है। डोरी सिस्टम बहुत एक बड़ा कलंक है हमारी समाज को लेकर, सो हमें जितना सुधार सके इतना कम ही है, हमें इसे जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए अकॉर्डिंग। तो आइए हम इनसे बात करते हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ममता है। तो आप क्या काम करते हो, आप क्या काम करते हो? हाँ, मैं एक वेलनेस कोच हूँ। अच्छा, तो जैसे कि आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश है इसमें इतने ज़्यादा हिंसा होते हैं, रेप केसेस आते हैं, डोरी सिस्टम है, तो उनके उनसे आप सहमत है कि सही है गलत है? ये गलत है, लेडीज़ के साथ तो देखो ये गलती हो रहा है और कोई इसके खिलाफ ना आवाज़ उठाता है ना सरकार कुछ करती है, ठोस कदम तो वैसे कहीं से उठता नहीं है। हाँ, किसी को छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो रहा है या बलात्कार या मतलब लेडीज को मार पीट, तो कोई खिलाफ नहीं है। अगर मैं अपनी बात ले लूँ तो मतलब कि अगर पुलिस में कंप्लेंट करो जब तक पैसे नहीं देते हैं ना तो कोई कार्रवाई नहीं होती। आप कुछ कहना चाहते हैं सरकार से कि उसकी ऊपर कुछ लेडीज के लिए कुछ अलग से होना चाहिए कि जिससे वो अपने आप को सेफ महसूस करे, को लेके हो या फिर कोई बलात्कार या कुछ भी हो, किसी भी चीज़ को लेकर सरकार को कुछ करना चाहिए। संजय यादव है, संजय यादव आप स्कूल जाते हो? हाँ। कौन सी क्लास में? 8 क्लास में पढ़ती हूँ। तो आप जैसे देखते होगे कॉलेज जाते स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छेड़छाड़ करते हैं, डोरी सिस्टम आपने सुना होगा पढ़ते हो, तो औरतों के साथ घर में हिंसा होती है, मारपीट होती है, तो आपके अकॉर्डिंग वो सही है या गलत है या फिर सरकार को इसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए, आपको जैसा लगता है आप बताइए। वो बिल्कुल गलत है, मतलब जिसकी माँ बहनें होती है सबको एक नज़र से देखना चाहिए, किसी को गलत तरीका से नहीं देखना चाहिए, बस मैं इतना कहती हूँ। और कुछ मतलब दहेज के लिए किसी को भी किसी से मतलब सब वो वहाँ पे माँ बाप छोड़ के दूसरे घर जाती हैं तो ऐसा गलत नहीं करना चाहिए किसी के साथ, मतलब वो अपने माँ बाप को छोड़ कर आती है तो दूसरे माँ बाप के लिए वो रहता है। घर में हिंसा होती है, पति पत्नी को मारता है,
वो ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब जैसे मतलब उनकी बहन भी किसी और के घर जाएगी तो वैसा नहीं करना चाहिए ना, ये सब गलत है। तो सर जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश में इतनी हिंसा होती है औरतों के साथ, रेप दहेज प्रथा बढ़ती, इनकी जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है, उनको उसके हिसाब से आगे क्या कहना चाहते हैं, आपके क्या विचार है? क्योंकि ये आज के समय में जो बहुत ही सामाजिक बहुत बड़ी कुरीति है, और इसमें थोड़ा सा है कि समाज में जागरूकता लाने की बहुत ज़रूरत है। जैसे आज के समय में हम देखेंगे तो ये वायलेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसमें अगर कुरीतियों को दूर करा जाए तो बहुत बेहतर होगा। इसके लिए सबसे ज़्यादा तो समाज में जागरूकता लाई जाए, और ऐसे सरकार को भी अभियान चलाना चाहिए। जैसे कि आदमी जो औरतों के ऊपर जोर डालते हैं, मतलब दबाव डालते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, तो बीइंग आप एक आदमी ही है, पुरुष है, तो आप क्या बता सकते हैं कि मतलब क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? देखो इसमें बहुत सारे कारण हैं, ये भी हो सकता है कि एक मानसिकता का भी इफेक्ट होता है, वो कुछ ऐसा भी होता है, कुछ इस मतलब दोनों पक्षों से होता है। इसमें ज्यादातर कई बार ऐसा होता है कि पुरुष को ही इसमें मतलब ज्यादा ब्लेम दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि पुरुष की है, कुछ महिलाओं में भी इस तरह की वो है, लेकिन यह है इसमें कि मानसिकता का ही प्रभाव है, तो इसमें बदलाव लाने की बहुत जरूरत है, और इसमें सरकार को भी इसके लिए सामाजिक विशेष अभियान चलाने की बहुत आवश्यकता। देखा आप लोगों ने लड़कियां, महिलाएं, पुरुष इस सब चीज़ों पे क्या कहना चाहते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस रुकना चाहिए, वो अपील करते हैं समाज के लोगों से कि जो उनकी मानसिकता है ना उसको बदलाव करें। इसी के साथ देखते रहिए नज़र टुडे, मैं मुस्कान पांडे।